नमस्कार, मैं एडवोकेट योगेश शाह और आप जुड़ चुके हैं आर वाई लॉ फर्म के साथ, एक ऐसे लीगल प्लेटफॉर्म पे जहां आपको लीगल संबंधित जानकारियां समय समय पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसपे हम बात करेंगे। एक बेल अप्लीकेशन के ऊपर बात थी जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एंटी सेपरेटिव बेल को रिजेक्ट किया है। अब वो किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया है इस पर हम बात करेंगे, कौन सा केस था। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि धारा 67A यानी सेक्शन 67A ऑफ आईटी एक्ट 2000 और सेक्शन 354 आईपीसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि किसी महिला का न्यूड वीडियो यानी नंग वीडियो प्रसारित करना या उसको ट्रांसफ़र करना या किसी प्रकार का उसमें एडिट वगैरह करके उसको ट्रांसफ़र करना वो एक अपराध माना जाएगा, जो कि आईटी एक्ट के अंतर्गत ये अपराध माना गया है। जिसमें आपको ये बता दूं कि इसमें सज़ा का भी प्रोविजन है जिसमें आपका 7 साल तक का सज़ा है और प्लस जुर्माना है जो 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस मामले में क्या क्या हुआ था। तो एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें कि एक मामला जो इस तरह था कि बॉम्बे के एक फैमिली थी जो कि हस्बैंड वाइफ थे और उनके उनके बच्चे थे। जो अपराधी जो था, अभियुक्त जो था, वो हस्बैंड का दोस्त था। उसने उनका आना जाना लगा रहता था उनके घर पे। तो उसका और इसके वाइफ का, मतलब उस महिला का रिलेशनशिप बन गया और उसने जो अपराधी था, एक अभियुक्त जिसको हम बोलेंगे, उसने जो है तो एक वीडियो रिक्वेस्ट की, न्यूड वीडियो की रिक्वेस्ट की कि आप महिला से कि आप मुझे इस वीडियो को सेंड करें। तो महिला ने इस कंडीशन पे उसको न्यूड वीडियो सेंड किया कि वो ये वीडियो देख के वो डिलीट कर देगा। और मज़े की बात ये है कि उस जिस व्यक्ति को उन्होंने सेंड किया, उस व्यक्ति ने भी यही कहा कि हाँ ठीक है, मैं इसको देख के डिलीट कर दूंगा। और उस महिला ने ये बात मान के और उसने व्हाट्सएप पे इसको वीडियो सेंड किया और उस वीडियो देखने के बाद उसने डिलीट तो नहीं किया, लेकिन इसने उसे झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने उसको डिलीट कर दिया। कुछ साल बाद जब वो महिला उस आदमी का जो जिसके वीडियो उसने शेयर किया था, उसके पति पत्नी वो दोनों जो है उस महिला के घर, जिसके हस्बैंड के घर उसे जाते हैं और लंच के लिए वो जाते हैं। उसमें जो एक महिला जिस आरोपी का महिला जो है उसकी वाइफ, वो उस वीडियो को उसको दिखाते हैं, किसको, उस महिला को, कि ये चीज़ें हैं ऐसा ऐसा। तो वो महिला जो है तो इसकी कंप्लेन संबंधित पुलिस थाना में करती है और ये पुलिस जो है तो जाँच करने के बाद उसमें धारा 67A आईटी एक्ट और आपका 354 आईपीसी का मामला दर्ज करती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये एप्लीकेशन जो था बेल एप्लीकेशन उनने रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने ये कहा कि किसी महिला का अगर यो न्यूड वीडियो अगर आप प्रसारित करते हो तो ये एक अपराध है और जिसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाना है, इसलिए ये आपका बेल एप्लीकेशन खारिज किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखें कि किसी भी न्यूड वीडियो है ना, सेक्सुअल जो कंटेंट वीडियोज़ रहते हैं या फोटोज़ होते हैं, उसको प्लीज़ शेयर ना करें आप। अगर आप उसको शेयर करते हैं तो वो सेक्शन 67A के अकॉर्डिंग वो एक पनिशेबल ऑफेंस है जो आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होता है और एक साइबर अपराध के रूप में भी ये कन्वर्ट होता है। तो इसलिए सतर्क रहिए और ध्यान रहे कि वीडियो जो है और वीडियो हो गए या कोई फोटोज़ हो गए सोच समझ के शेयर करिए। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे भी लीगल जानकारियाँ मैं इस तरह से लाता रहूँगा। तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझसे जुड़ें। और बाकी आपको अगर किसी से कुछ जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जानकारियाँ भेजें और मुझसे बात करना चाहते हैं तो पर्सनली आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।